नाश्ता कर लें भाई, सुबह सुबह टाइम हो गया तकरीबन 9:30 का, मैं करने लगा हूँ नाश्ता। आपने भी अगर नाश्ता करना है तो मेरे साथ आके कर सकते हैं। चाय देखो मैं इस प्याले में आज डाल के पीऊँगा, कितनी सारी चाय मैंने डाली हुई है इसमें। व्यूअर्स ये चाय देख रहे हैं आप, आपको तो पता ही होगा कि मेरे कौन से मेहमान हो सकते हैं भाई, ज़रूर मुझे वीडियो तो बनाने दो। हाँ जी थोड़ी चाय आ गई है। मियाँ सुलेमान तू तो कौन है, जल्दी चाय ऐसा ऑर्डर की थी, चलो तू ही पी, क्या याद करे से ढेरे वड्डा का पी दो ढेरे जो। हाँ यूसुफ बस मैं चार घिना है, मैं इब्राहिम पीवे तो भावे तू पीवे मुफ्ती पी है ना, मैं पीती हूँ इब्राहिम तो मैं देख रहा हूँ इब्राहिम। हाँ पी यार, चलो थोड़ी अधी अधी कर घिन। देखे इसको भी उठाया हुआ था, चाय भी उठाई हुई थी, साथ में वीडियो भी बना रहा था। बड़े मुश्किल मुश्किल काम है यार जिंदगी करने पड़े। तू वो मुजाहिदा करना है क्या है, वो मुजाहिदा करना है रान भाई, क्या है बिल्कुल सही आदा बिल्कुल रान, ये पौन क्या होगा गुड, कोई भी काम आसान को नहीं है अमशी। जाओ 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 शाबाश, चलो जाओ शाबाश। ओए 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 ओए, मेरे अलावा किसी के पास नहीं जाता जरूर वो जरूर सारा दिन मुझे चिपके रहते हुए ढेर नहीं है बैठी सामने वाले, सामने वाले इस कट्टे को गए एक दो और चाय मैंने पी लिया और मेरा असूल है चाय पीकर आमशी के पास कप मैंने फेंकना होता है। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम, इस मीठी मीठी ठंडी ठंडी सुबह के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब करते, नहीं तो ये नहीं रखने वाले आपको। देखें कितनी स्पीड में आ रहे हैं, मैं आज रियायत रहे में मेरे सब्सक्राइबर्स को हैं, क्या हाल है खैरियत है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें वरना 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 हम की चार यार लोग सब्सक्राइब नहीं करने पे यार कोई में चार दे मतलब कोई डर के कर दे वे, चलो प्यार नाल तो नहीं करें दे ठीक है। जहरान और इसकी मम्मा को छोड़ने जा रहा हूँ जहरान के नानी घर, इसको देख रहे हैं बिल्कुल इसको सुकून नहीं होता, आप गाड़ी में जो चीज इसको नजर आती है उसको हाथ मारता है, अभी ये फीडर गियर मोबाइल जो कुछ भी पड़ा हुआ है सब चीज को हाथ मारेगा। जहरान आप आराम से नहीं बैठ सकते हैं, बताओ बताओ आराम से नहीं बैठ सकते हैं, मसला क्या है तुम्हें हैं, बताओ क्या मसला है तुम्हें हैं, करोगे अंदा अच्छा 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 जो कुछ मर्जी कर लो, मैं तो आपको ऐसे डरा रहा था। वे ना, वे ना। बारिश भी हल्की हल्की आ रही है, ये देखे नीचे बारिश की बूंदें बरस रही हैं। मैं व्लॉग करने कहीं जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास एक दो मेहमान आए हुए हैं, लेकिन मौसम जो इतना वीआईपी बन गया, इतना वीआईपी बन गया जिसकी हद और इंतहा नहीं है, मैंने कहा चले थोड़ा सा छत पे जाके ना थोड़ा सा व्लॉग कर लेता हूँ। आपको मौसम और देहात की खूबसूरती अगर पसंद नहीं आती तो बस फिर क्या कहने आपके। ओए होए होए क्या नज़ारा नज़र आ रहा है, ऊपर बादल काले काले और नीचे दरख्त ही दरख्त, हर तरफ सब्जा और दरख्त, फुल मूड है मुझे लगता है आज इन बादलों का बरसने का। चमक और गरज ये नहीं है, सिर्फ बादल है, सिर्फ बादल है और ठंडी ठंडी हवा है। सारे मतलब बंद जा रहा हूँ बाहर, मौसम थोड़ा सा जो है ना वो बदल गया है, चेंज हो गया है, ऊपर बादल सारे हो गए हैं ख़त्म, ये देखें। वैसे टाइम है असर का, बल्कि असर का टाइम भी गुजर चुका है, 6:30 होने वाले हैं 6:30, तो मैं अभी निकलता हूँ कहाँ भला, अपने नानी घर। मेरे एक मामू हैं वो ना दो बकरे सेल कर रहे हैं, तो मैंने उनको बुलाया कि आप ऐसा करें पहले मुझे दिखा दें, क्योंकि हमारे पास जो बकरे थे ना वो सारे ख़त्म हो गए, हमारा जो बकरियों वाला बकरा था मतलब आप समझ जाएं ठीक है, जो नस्ल बढ़ाने के लिए रखा हुआ था वो भी हमने कुर्बान कर दिया था, अब बकरे बिल्कुल हैं नहीं, तो अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि एक दो बकरा हम जो है ना वो क्या कहते हैं कहीं से ढूंढ लें, वो सेल कर रहे हैं, मैंने उनको कहा पहले मुझे दिखा दें, अगर आगे मुझे पसंद तो मैं रख लूँगा, नहीं तो फिर वही छिपकली घुस गई हो यहाँ से अंदर। इधर मैं सामने देख रहा हूँ कि यहाँ पर ना कोई परिंदा, ये पता नहीं क्या चीज़ लटकी हुई है, ये देखें ऊपर ये बिल्कुल सामने, मैं समझ रहा था परिंदा है लेकिन परिंदा नहीं है, ये कोई
सब्जी वगैरह है। एनी हो बस चलता हूँ मैं वहाँ, क्योंकि मगरिब होने वाली है। मगरिब से पहले पहले मैंने कहा जाके देख लूँ, फिर वापसी हो सकता है मैं लेट हूँ। आज रात को हमारा मैच है, पिछले दो दिन मौसम खराब था, तो आज इंशाल्लाह मैच वगैरह खेल कर वापस आऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 दिन पहले इसकी टैंकी फुल करी थी, अभी तक फुल ही खड़ी है। अभी ये वाली ऐनक लगा तो ली है, वापसी पर बड़ा तंग होगा क्योंकि रात होती है ना, रात को फिर ये काला चश्मा नज़र कुछ नहीं आता। खैर फिलहाल लेट्स गो। मोहम्मद इदरीस के पास मैं पहुंच गया हूँ। मेरा मूड था कि अंधेरा होने से पहले पहले वहाँ पे पहुँच जाऊँ ना, मगरिब से पहले पहले, ताकि मैं बकरे अच्छी तरह से देख लूँ, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर समझ नहीं आएगी, हो सकता है पसंद ना आए फिर। ओए मामा ओए, मैं तो बकरे देखना यहाँ। मुबीन कला नहीं चाह सकता खा। सुफियान आज कौन ही? आज सुफियान। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। व्यूज़ कैसा लग रहा है जी ये गाँव? ये देखें, ये छोटा सा स्कूल है, यहाँ पे एक रात हमने प्रैंक किया था सुफियान के साथ। डर लगता है ना यहाँ को, यहाँ से रात को। लिठा इतना बड़ा घाह तो रखा ने रेड़ी रेड़ी पतरी गई है। ये जरा पिण का आए थे को घाह चाया, देखो वह अपने वजन के मुताबिक चाया कर घा। वह डिठी ओ ओ ये घील वैसे रेड़ी इतने वजनी घा था, ये चावे दे तोड़ तक। ओए होए होए हिम्मत है यार, उसने को इतना वजनी घा है, टेढ़ी घिन वैसी घर तक काफी वो अगे है घर। घिना इन को घिना घिना भाजा अजी ना। बकरे के बारे क्या ज्यादा जरूरी चीज है जानना? जरूरी चीज दिखा ना ना, ये तो मस्ते है ना ज्यादा नहीं, मतलब केड़ी अजी चीज है जेड़ी इन दे विच ज्यादा डिठी है वेनी तो आके पूरा सोई। क्या यार तू जो विचेंदा पे कोई खासियत बयान कर, कोई चलो ले लेते मैं किसी ले लेते अच्छे ही ना हूं बिशाक तू इन्हें बंदे ढाक दे, लेकिन इन्हों की डिमांड तुसा मैं खुद दसे सो। मेरा बेटा मैं किमें दसा, 30 पा दिए मैं दिए। आप चेक करो यहाँ पे सन्नाटा, ये आवाज केड़ी चीज जान जाने निके निके टीवी। अच्छा दीदे होने यहाँ पे हमारा ग्राउंड रेडी हो रहा है, लाइटें ऑन हो गई हैं, यहाँ पे खेलते हैं हम डेली रात को। भाई लस्सी तो मेरी खड़ी हुई है। गेम के बाद मैं घर आ गया हूँ। आज बेगम नहीं है, अम्मी ने लस्सी बना के कड़ा दी थी मेरे लिए। टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ, तकरीबन 1 का हो गया, पूरे 1 का, बल्कि 1 से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। गेम की वीडियो तो बन नहीं सकती, क्योंकि गेम जब हम खेलने लग जाते हैं तो और कोई बंदा होता नहीं है जो वीडियो बनाए, इसलिए गेम की वीडियो नहीं डाल सकता। टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ, 1:02 हो गए, 1:02। और थोड़ा सा ना मेरा ये वाला जो फ़ोन है ना, ये काफ़ी पुराना हो गया, इसकी स्क्रीन यहाँ से निकल आती है बाहर, अभी तो चिपकी खड़ी है, मैंने थोड़ा सा इसको चिपका दिया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से ये देखें, ये शायद नज़र आ रही हो यहाँ से, इस जगह से थोड़ी सी ना निकली हुई है, निकली नीचे ऐसे लटक जाती है। असल में ना ये मोबाइल लिया था मैंने 2017 में, मेरे ख्याल में, हाँ 2017 में जब ये न्यू आया था, अभी इसको 6 साल हो गए पूरे, अब ये बहुत ओल्ड हो चुका है, मुझे लग ऐसे रहा इसको चेंज करना पड़ेगा। खैर आज के ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, आज के ब्लॉग में आपको क्या बात पसंद आई क्या नहीं आई वो आपने लाजम बताना है। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आपसे, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, बाय।